बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्वेल्थ के साथ सिलेक्शन ले रहे हैं। आप अपने देखो आसपास, मेनली जो टॉप रैंकर बच्चा है, वन डिजिट टू डिजिट के अंदर से रैंक आ रही है, वो बच्चा मेनली ट्वेल्थ से ही है। आप जो भी कोचिंग ले रहे हो सबसे बेस्ट है, ऑनलाइन है अच्छी बात है, ऑफलाइन है अच्छी बात है, तो कोचिंग कोई मैटर नहीं कि आप ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, बस खुद में लगन होनी चाहिए कि मुझे गोल अचीव करना है तो करना ही है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करते हैं नीट 2025, जो अभी स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं वो अभी 10th पास करके आए हैं, अब उनका ड्रीम है, उनका गोल है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, इसका नाम है नीट, ठीक है। तो अपन ये बात करते हैं कि आपके पास अब नीट देने के लिए 2 साल है, 11th और 12th क्लास, तो आप किस हिसाब से पढ़ाई करें और आप अपनी अच्छी रैंक और अच्छे नंबर ले आएँ, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत बढ़ रहा है नीट के अंदर। लाखों बच्चे सर, लास्ट ईयर 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, एंड कट ऑफ आपको पता है कितनी हाई जा रही है। तो ये अपन बात करते हैं, माई सेल्फ विजय खांडल फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज, और अपन बात करेंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे अपन। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, देखो पहली बात एक मैं क्लियर कर दूँ कि जो नीट का एग्जाम है ना, तो वो बहुत टफेस्ट एग्जाम की गिनती काउंट होता है, क्योंकि इसमें कट ऑफ ना बहुत हाई जा रही है। आपको पता है लास्ट ईयर आप देखते भी हो आउट ऑफ आउट नंबर बच्चों के आ रहे हैं, तो आपको किस हिसाब से पढ़ाई करना है कि आप भी उस जगह एग्जिस्ट कर सको, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई है, तो आपको भी नंबर हाई लाने पड़ेंगे। तो आपके पास पूरी 2 साल है, तो आप इन 2 साल में कैसे मेहनत करें जो आप उस अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं। देखो पढ़ना सबको पड़ेगा, आप किसी फील्ड में जाओगे ना पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई कुछ नहीं होएगा। तो अपन बात करते हैं कि नीट 2025 के लिए आपको क्या करना है। देखो आप 10 पास करके आए हो, किसकी 60 भी है, किसकी 70 भी है, किसकी 90 प्लस भी है, तो 10 की परसेंटेज से कोई अपने को ना ही ज़्यादा खुश होना है ना ही ज़्यादा डिप्रेस होना है। जो बन गई वो बन गई, अच्छी बात है, लेकिन अब अपनी एक फर्स्ट स्टेप आ रहा है कि अब अपन 11th में क्या करें जिससे अपना आने वाला करियर, आने वाले 40-50 साल बिल्कुल सेट हो जाए। देखो आपके पास 2 साल है, चाहो तो आप 2 साल में इंजॉय कर सकते हो, बट उससे क्या होगा, आपकी आने वाली ईयर्स खराब होगी। तो आपको अच्छा है कि आप 2 साल यार पढ़ाई कर लो, 2 साल अपने माइंड को सेट कर लो कि मुझे पढ़ना है, कुछ ना कुछ पाना है, चाहे मैं IIT करूँ चाहे नीट करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे कुछ ना कुछ पाना है, देन मैं पा लूँगा। तो वही चीज़ आपके पास है कि आपको अभी पढ़ना है कि बाद में पढ़ना है। अब देखो अगर अभी इस टाइम को आप छोड़ दोगे ना तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपके पास आराम से 2 साल अच्छा टाइम है, 2 साल बहुत होती है यार, कोई भी काम करने के लिए 1 साल बहुत, 2 साल बहुत होती है। अपने पास पूरे 2 साल अपन बात करते हैं। देखो आप 11th क्लास में हो तो आपके पास टारगेट क्या है, नीट 2025 कि मुझे 2025 के अंदर नीट देना है, अच्छे नंबर अच्छे रैंक से मुझे कोई ना मेरे ड्रीम कॉलेज लेना है, मुझे अपना अपने स्टेट का हुआ या एम्स वगैरह मुझे लेना है, तो कोई भी कॉलेज अपना वो अपने को लेना है। तो अपना मेन टारगेट, पहले अपना टारगेट बनाओ कि मुझे वो गोल अचीव करना है और मुझे वो चीज़ लेनी है किसी भी हालत में। पहली बात कि अपने जो गोल पे है ना वो फोकस रखो कि गोल अपना वो है बस। दूसरी बात खुद पे भरोसा रखो कि यार मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ मैं वो गोल अचीव कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खुद पे बिलीव रखो कि हाँ जैसा भी हूँ मैं एकदम सटीक हूँ, अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे गोल अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुद पे बिलीव रखो। और तीसरी बात कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, 2 साल बहुत लंबा पीरियड है, आपको बहुत मिलेंगे डिस्ट्रक्शन वाले भी, कुछ भी बोल रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, वो तुम्हें चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 साल अपने को गोल पाना, अपना अचीव करना है, तो हर चीज़ से अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ओनली बस पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपना बस काम एक ही है, पढ़ना है, जो भी अपना काम हो करना, बस यही काम है अपने, पढ़ाई लाओ, दूसरा काम है ही नहीं अपने को, ओके। तो अपन बात करते हैं, पहली बात कि तुम में से मेनली बच्चे ऐसे होंगे डमी कर रहे होंगे या कहीं कोचिंग कर रहे होंगे साथ में, और कुछ बच्चे ऐसे स्कूलिंग भी कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे दिक्कत आती है स्कूल वालों के पास, क्योंकि स्कूल वाले जो स्कूल कर रहे हैं ना उनके पास टाइम मैनेजमेंट बैठ नहीं पाता है, वो सुबह से दोपहर में स्कूल जाएंगे, देन स्कूल के आने के बाद कोचिंग जाएंगे, देन शाम को उनको स्टडी टाइम कम मिल पाता है। तो कोई बात नहीं, बात करेंगे अभी। अब जो डमी वाला है वो आराम से थोड़ा ज़्यादा फ्री रहता है, उसको स्कूल जाना होता नहीं है, वो ओनली कोचिंग जाएगा एंड सेल्फ पढ़ेगा। तो कौन, अपन दोनों बात कर लेते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो डमी वाला बच्चा है एंड जो स्कूल वाला बच्चा, उसको कितना क्या पढ़ना होगा। देखो डमी वाला बच्चा है वो स्कूल जा नहीं रहा, वो ओनली कोचिंग ले रहा अपनी या ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो एंड स्टडी कर रहा है, तो कम से कम डमी वाले बच्चों को 7 hours की स्टडी करनी पड़ेगी सेल्फ। मतलब कि कोचिंग का तुम्हारा जो भी टाइम था वो गया, उसके बाद में तुम्हें कम से कम 7 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। वो आगे बात करेंगे कैसे पढ़ने पड़ेंगे, आगे देख लेंगे अपन। दूसरी बात करते हैं स्कूल वाला बच्चा, स्कूल वाला बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, देन शाम को या तो वो ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है या कहीं ऑफलाइन कोचिंग ले रहा है, तो समथिंग उसको भी 4 घंटे खुद से अलग से देने पड़ेंगे। सर टाइम बैठ नहीं पाएगा, देखो कुछ ना कुछ हेक्टिक होएगा यार, थोड़ा बहुत स्कूल भी जा रहे हैं कोचिंग भी जा रहे हैं, लेकिन देखो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। खोना क्या है, अपनी जो भी मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी, वही खोना अपने को। दूसरी बात करता हूं मैं क्लास 11th। अब देखो आप क्लास 11th में हो, आपके पास 2 साल का टारगेट है कि 2 साल में मुझे 11th भी करनी है 12th भी करनी है। देखो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आराम से आप 2 साल, अच्छा आपके पास अच्छा टाइम है, सिलेबस जो भी आपका है वो फीस PC भी का है तो उसको आराम से कवर कर सकते हो। देखो 2 साल टाइम पीरियड बहुत होता है, यहाँ पे आप डेली के चाहे 4 घंटे पढ़ लो लेकिन कंसिस्टेंसी रखोगे ना तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाओगे। थोड़ी बहुत आपकी लाइफ में कभी कभी फंक्शन आएंगे कि यार कभी आप पढ़ नहीं रहे, कभी पढ़ रहे हो, कभी दिक्कत आएगी, लेकिन वो कोई ना, आप धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज कर देना उन चीज़ सब चीज़ों से, धीरे धीरे आप पढ़ लोगे, कंसिस्टेंस रखोगे ना तो सब अपन चीज़ अचीव कर लेंगे। आगे बात करते हैं
कि देखो सिलेबस, अब देखो दिक्कत यह आती है कि सिलेबस नीट का अलग है लगता है अपने को और बोर्ड का अलग है, लेकिन अलग कुछ नहीं है, सिलेबस सेम है। देखो नीट भी किसको फॉलो कर रही है, एनसीईआरटी को, सीबीएसई बोर्ड आरबीएससी बोर्ड किसको फॉलो कर रही है, मेनली स्टेट बोर्ड भी एनसीईआरटी को कर रही है। तो अपना मेन टारगेट क्या है, अपने को एनसीईआरटी पढ़नी है। तो आपका जो भी नीट का सिलेबस है वो आप प्रिंट आउट निकला लो एंड अपने पास रख लो, एंड तुम्हारी बोर्ड का सिलेबस क्या है वो भी तुम निकला लो। अभी तुम्हारी 11th में बोर्ड है नहीं, इतना कोई दिक्कत आएगी नहीं, बोर्ड 12th की अपने एक साल बाद देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपका सिलेबस देखा आपने कि ये सिलेबस है, अब आपका सिलेबस 12th का बोर्ड का भी सेम है, 11th का भी सेम है आपके नीट का अकॉर्डिंग, तो वही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यार बोर्ड में तो 11th होने में पहले 11th पढ़ूंगा देन 12th करूंगा देन बाद में नीट करूंगा, नहीं ब्रो ये मत करना, दिक्कत आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th के साथ सिलेक्शन ले रहे हैं, आप अपने देखो आसपास, मेनली जो टॉप रैंकर बच्चा है, 1 digit 2 digit के अंदर से रैंक आ रही है, वो बच्चा मेनली 12th से ही है। तो 12th के साथ सिलेक्शन लेना बहुत इजी है क्योंकि वहां पर बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपनी तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप 12th बाद में कर जाओ दिक्कत बहुत आएगी, आपको एक साल मिलेगी जिसमें आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा दोनों साल का, तो दिक्कत आएगी। अपने जो पता ही अपने को जाना वही है तो अपन लेट क्यों, पहले जाए ना यार, जब अपने को जाना अपने को नीट के अंदर ही है तो अपन एक साल लेट क्यों जाएंगे यार, 11th से जाएंगे क्या दिक्कत है, जल्दी पूछेंगे वही चीज़ें, जल्दी जल्दी चीज़ अपने अचीव होगी, टाइम कम भी लगेगा अपना। तो आगे बात करते हैं अपन कि जो भी आपका सिलेबस उसको आप लिख लो देख लो अपनी प्रिंट आउट निकला लो और अपने सामने चिपका लो कि यार ये सिलेबस करना है, जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो उसको आगे टिक करो आप, अपन आगे बात कर लेंगे किस क्या पढ़ना आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन बुक, सर बुक कौन सी फॉलो करें हम, देखो बुक आपको सबको पता है सारे बच्चे एक ही बात बोलते हैं चाहे वो कोई सी एग्जाम की तैयारी करें कि एनसीईआरटी मेन बैकबोन है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, सही बात है। देखो अपन आप देख रहे हो रिसेंट 4-5 साल के अंदर जब से एनटी आए थे उसे पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस ही आ रहा है, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल पेपर नहीं आ रहा है, तो आपको मेन फोकस किसी पर करना है, एनसीईआरटी पे। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक तो होनी चाहिए सर, अभी तो अपडेट आई है कि एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस हटा दिया, हाँ हटा दिया बोर्ड के लिए, लेकिन वो सिलेबस अभी नीट के लिए नहीं हटा है, तो आपको वो लेके चलना है कि आपके सिलेबस तो नीट में आ रहा है। जब तक कोई भी एनटीए अपडेट ना दे तब तक आपको मान के चलना कि आपके सिलेबस पूरे 98 चैप्टर आ रहे हैं, एनटीए अपडेट देखो उसके बाद में अपन देख लेंगे, बट आपको अभी पूरा सिलेबस लेके चलना है। हाँ हो सकता है उसको आप थोड़ा लेट पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में पढ़ लो, लेकिन पढ़ना अपने को पूरा ही है। दूसरी बात करते हैं उसके अलावा कौन सी बुक चाहिए, उसके अलावा देखो आप 11th में आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप नोट्स जरूर बनाना, सर नोट्स तो हम ले लेंगे दीदी भैया से या कोई टॉपर्स लेंगे, नहीं टॉपर्स के नोट्स उसके लिए काम के थे, दीदी के नोट्स उसके काम आए, भैया के नोट्स भैया के काम आए, लेकिन अपने नोट्स अपने काम में आएंगे क्योंकि खुद के नोट्स लिखे होंगे ना तो अपन अच्छे समझ पाएंगे चीज़ों को। टीचर आप लेक्चर ले रहे हो नहीं उसके नोट्स बनाओ, नोट्स चारों सब्जेक्ट में बनाने, सर चारों सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी एंड बॉटनी, आपको चारों सब्जेक्ट के नोट्स खुद से खुद को बनाने हैं क्योंकि खुद के नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं, अपन कुछ भी ऐड कर सकते हैं कुछ भी हटा सकते हैं, तो अपनी इच्छा है वो, तो नोट्स जरूर बनाना आप 11th में, आपके पास बहुत सारा टाइम आराम से आप नोट्स बना सकते हो। अगली बात करें एक यहाँ पर लिखा हो PYQ, हाँ ये क्या होते हैं, प्रीवियसली साल में पूछे गए क्वेश्चंस नीट एग्जाम के अंदर, तो वो आपको एक बुक मंगवा लेनी है उससे क्या, अब जो क्या करना आपको यहाँ पर एक बात कर देंगे आपको पढ़ना किस हिसाब से है, ठीक है। देखो आपने लेक्चर लिया, आपका लेक्चर हो गया, ठीक है आपका लेक्चर ऐसे मान लो कि आज कोई भी टॉपिक आपका लेक्चर हुआ, देन चाहे वो ऑफलाइन हो रहा है तो अच्छी बात आपके हैंड पेन नोट्स बन जाएंगे, और आपका ऑनलाइन हो रहा है तो कोई ना आप खुद नोट्स बनाओ, टीचर पढ़ा रहे हैं वहां पे नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, उस टॉपिक की आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मेनली आपको फॉलो करनी है बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खासतौर से, अगर आपके पास आपको लगे या फिजिकल पढ़ सकता हूं मैं तो ना फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लो एनसीईआरटी से, और आपको लगे फिजिक्स पढ़ सकता हूं मैं तो ना फिजिक्स पढ़ लो, बट आराम से आप 11th में हो तो आप सभी एनसीईआरटी आराम से पढ़ सकते हो, आपका खूब सारा टाइम है, तो एनसीईआरटी पढ़ी, देन अब देखो आपका मान लो चैप्टर हो गया, उसके आपने नोट्स बना लिए, उसके आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है PYQ जो आपने बुक मांगी थी PYQ वाली, उससे आप PYQ देख करो, एंड उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नीट में किस हिसाब से क्वेश्चन आ रखे हैं और आपको किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो भी आपको टॉपिक लगा यार नीट में ये टॉपिक तो बार बार पूछ रहा है, तो उसको आप अपने नोट्स में स्टार लगा लो कि यार ये टॉपिक बार बार नीट में पूछ रहा है तो इंपॉर्टेंट है, तो आप PYQ किए एंड आपको आइडिया लग गया कि नीट में क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है, क्या ज्यादा पूछता है और क्या कम पूछ रहा है, तो वो चीज है। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो नीट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, आपने PYQ किया आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन इस हिसाब से आ रहे हैं, तो उस हिसाब के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है उसको छोड़ दो, छोड़ दो मतलब जो आपके काम खाने उसको छोड़ दो या फिर अपने टीचर से पूछ लो। एक बात यहां पे मैं कहूंगा कि जैसे मान लो कि तुम ये PYQ किए एंड ये किए, अब आपको जब आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी तो उसमें आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दे रखे हैं तो वो भी आपको करने हैं,
तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और जो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज की, वो भी आपको करने हैं। जो करने कौन से हैं, कुछ क्वेश्चन में जेई एडवांस लेवल के भी हैं, केमिस्ट्री बायो की बात करूं मैं, केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करूं, कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल के भी है, तो आप वो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आपको जितने आ रहे हो आपको करने ही हो। तो अब देखो, आपने ये चीजें की, लेक्चर लिया, नोट्स किया, एनसीईआरटी की, पीवाईक्यू किया, एन क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके कोचिंग में टेस्ट लगते रहते हैं, वीकली मंथली जो भी है वो आप करो, और उस टेस्ट का आप करना प्रॉपर एनालिसिस। मतलब जैसे आज आपने टेस्ट दिया, ठीक है, आपका जो भी एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक का टेस्ट था आपने दिया, एन आपके नंबर जो भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप घर पे आए, एन उसको आपने आंसर चेक की, आपके कौन से आंसर सही है तो अच्छी बात है, आपके आंसर गलत है तो और भी अच्छी बात है। और अच्छी बात कैसे, क्योंकि आपने अपने आंसर गलत हो रहे हैं, तो गलत क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप उस कॉन्सेप्ट में वीक थे, आप उस कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझे, आप वहां पे कुछ सिली मिस्टेक कर दिए, या आपने कोई कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है, अपने को कॉन्सेप्ट सीखने का दोबारा मौका मिल रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन फिर नीट में आ रहा ना, तो अपन सही कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन गलत हो रहा ना, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छी बात है यार, आपकी कमी यही पता चल रही है। अपन टेस्ट लेते हैं इसलिए ही है, अपनी कमियों को निकालने के लिए। तो अपनी कमियां वहां पर दिख रही है अपने को, तो वहां पर उनको इंप्रूव कर लो। और एक खुद से वादा कर लो कि मेरा जैसे भी टेस्ट लगता है ना, पहला टेस्ट, देन सेकंड टेस्ट, देन थर्ड टेस्ट, तो मैं हर टेस्ट में कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगा। बट बच्चे उल्टा करते हैं, टेस्ट में गलत हुआ क्वेश्चन देखते नहीं, पेपर को फेंक देते हैं कि नहीं जो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं, आपको नहीं, आपको पेपर से सीखना है कि आपने कौन सी चीज गलत की है, उससे अपने को सीखना है, उसको चीज को सीखनी है। क्यों, एग्जाम में क्या पता वही क्वेश्चन आ गया तो इसलिए टेस्ट का आप प्रॉपर एनालिसिस करना जरूर से। और वो क्वेश्चन आप गलत हुआ उसको आपने नोट लगा के पढ़ो, वहां पर स्टार लगा लो कि उसमें गलत हुआ था, या आप अलग से करना डायरी जरूर बनाना। डायरी मतलब इस सब्जेक्ट की एक अलग से आप पेपर एक कॉपी बनाना, उसमें लिखना कि यार ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट नोट्स बोलते हैं ना अपन, तो वहां पे उसको ऐड कर लेना, ये हमारा फॉर्मूला में गलत होता है। और एक शॉर्ट नोट्स की बात आती है तो वो आप जरूर से बनाना, आपके पास अच्छा टाइम है। शॉर्ट नोट्स क्यों, क्योंकि अभी आपके पास 2 साल है, आपके पास 1 साल बाद, 1 साल बचेगी, कुछ टाइम बाद में आपके पास 1 महीना रहेगा एग्जाम का, और कुछ दिन बाद में आपके पास रहेंगे एग्जाम के ओनली 2 दिन, तो उस टाइम तो आप पूरे नोट्स पढ़ नहीं पाओगे। तो अपना सेलेक्टिव रिविजन, आगे बात करेंगे रिविजन करना तुम्हें, तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, उससे क्या आप कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन की रिसोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो कुछ बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं, आप जो भी कोचिंग ले रहे हो सबसे बेस्ट है, ऑनलाइन है अच्छी बात है, ऑफलाइन है अच्छी बात है, तो कोचिंग कोई मैटर नहीं कि आप ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, बस खुद में लगन होनी चाहिए कि मुझे गोल अचीव करना है तो करना ही है, मुझे नीट क्वालिफाई करनी है तो करनी है, किसी हालत में करूंगा तो बस करूंगा ही, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन हो, ऑनलाइन आप कोचिंग ले रहे हो, तो आप एक काम जरूर करना, आप समथिंग मंथ वीकली एक टेस्ट ऑफलाइन जरूर देना। सर ऑफलाइन टेस्ट क्यों, हमारा तो ऑनलाइन होते नहीं, आप कोई ना उस पेपर का प्रिंटआउट निकलवा लो और आप वीकली एक टेस्ट ऑफलाइन जरूर दो, वो भी किस टाइम में, वही नीट वाले टाइम में, 2 बजे से 5 बजे तक, जो भी 5:20 है वो टाइम, वो आपको टाइम देना है। क्यों, देखो अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दोगे नहीं एक भी, और आप सीधा फिर बोर्ड नेट के अंदर ऑफलाइन टेस्ट दोगे, तो वहां पे आपको ना ही तो ओमआर फिल करना सही से आएगा, ना ही आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, और हो सकता है आप बबल्स भी गलत फिल कर दो। तो आपको अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आपको वीक में एक टेस्ट जरूर ऑफलाइन देना है, वो भी नेट वाले टाइम के अकॉर्डिंग ही, ये काम जरूर करना आप अगर आप ऑनलाइन हो तो। ऑफलाइन हो तो कोना वहां कोचिंग खूब टेस्ट हुआ दिए और आपको टेस्ट देते रहना है। ठीक है, और देखो कोचिंग ना सारी बेस्ट होती है, कोचिंग में कोई दिक्कत नहीं, बस दिक्कत होती है कि टीचर से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो ऐसे YouTube पे भी खूब टीचर अच्छे अच्छे टीचर है, तो कोई ना आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, YouTube से तो अच्छी बात है, वहां पे आप देखो आपका टीचर कौन सा बेस्ट है, तो 2-3 लगेंगे आपको, आराम से 2-3 लेक्चर ले लो टीचरों के, एंड देख लो कि कौन से टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं अपने को, जिनसे अपनी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है और जिससे अपन आराम समझ पा रहे हैं, उसको आप कोई ना फॉलो करते रहो एंड पढ़ते रहो। रही बात, अपन भी बायोलॉजी पढ़ेंगे जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर, तो आगे तुमको टीचर को दिक्कत नहीं, टीचर सारे बेस्ट है यार, सबको एक्सपीरियंस है, बस टीचर पर विश्वास रखो यार, मैं जिस चीज से पढ़ रहा हूँ ना वो एकदम बेस्ट टीचर है और मैं एकदम बेस्ट स्टूडेंट हूँ, आराम से देखो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी आराम से, अब तुम विश्वास रखो खुद पे और टीचर पे, आराम से आप अपने गोल तक जरूर पहुंचाओगे। ठीक है, तो डाउट नहीं कि कोचिंग अच्छी नहीं है कि टीचर से, सब अच्छे हैं यार, सब पढ़ा रहे हैं, हर कोचिंग सिलेक्शन दे रही है और हर बच्चा सिलेक्शन नहीं ले रहा है। क्यों, बच्चा फॉलो नहीं कर टीचरों को, टीचरों की बात ही बच्चे नहीं मानते, मेनली बात तो ये होती है, अपनी टीचर की बात मानो, उन पर विश्वास रखो, आप अपने गोल तक जरूर पहुंच जाओगे यार, उनको एक्सपीरियंस है 10 साल 12 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस, वो पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ अच्छी है आपके लिए, क्या चीज़ अच्छी नहीं है। मेन बात करते हैं रिवीजन, रिवीजन किस हिसाब से करें, देखो रिवीजन आपको करना है डेली, वीकली, मंथली, ये क्या होता है सर, ओके आज आपने कुछ भी पढ़ा, कोई सी सब्जेक्ट आपने पढ़ी आज, उसका आपने लेक्चर लिया स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर या क्लास के अंदर लिया, एंड आप घर पे आए, तो आपको रात को सोने से पहले उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है,
एंड जब आप सेकंड डे उस चीज का लेक्चर ले रहे हो उसके पहले भी आप एक बार 10 मिनट उसको फटाफट देख लो, क्योंकि आप स्कूल में अगर कोचिंग में आप बिल्कुल फोकस से पढ़ोगे ना तो आपको कम टाइम में आप वापस चीज को रिवाइज कर लोगे। आगे रिवाइज किया एंड नेक्स्ट डे क्लास लेने से पहले आप उसको एक बार देख लो कि क्या चीज मैंने कल पढ़ा था, टीचर मुझे पूछ सकता है वापस कि क्या बता कल क्या पढ़ा था, तो वो चीज उसको आप रिविजन कर लो। दूसरी बात, आपकी वीक में क्या क्या हो रहा है, तो वीक एंड आपको क्या करते हो, मेनली बच्चे वीकेंड में मौज करते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पिकनिक जा रहे हैं, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पढ़ना है। वीकेंड में क्या करना है, आपने तीनों सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर पूरे वीक में क्या पढ़ा उसको आपको वापस रिवाइज करना है। मंथ में आपने पूरे मंथ में क्या क्या पढ़ा, तो लास्ट के मंथ के दो तीन दिन, एक दिन में नहीं होगा, दो तीन दिन आपको क्या करना है, पूरे मंथ में क्या पढ़ा रिवीजन करना है। वैसे रिवीजन की बेस्ट मेथड होती है, मैंने डाल रखी वीडियो डिस्क्रिप्शन दे रखा हूं मैं लिंक, वो देख लेना, मैंने बना रखा पूरा की रिवीजन किस हिसाब से करना होता है आपको, ठीक है। और देखो मैं लास्ट बात करता हूं सोशल मीडिया, अभी आप नए 11th में हो, आपके पास सबके पास फोन भी आ गए होंगे तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए होंगे, तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करना क्योंकि आपका बस टाइम वेस्ट करेगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आपको कुछ दे सकता है। आप इंस्टाग्राम चला रहे हो बिना मतलब रील्स देख रहे हो, फेसबुक पे एक्टिव हो आप, यूट्यूब पे बिना मतलब कुछ ना कुछ देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, तो वो चीज सबको आपको अवॉइड करनी है क्योंकि ये मेन फैक्टर है जो आपको अपने गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम देगा, तो इसको आपको अवॉइड करना है। चला रहे हो तो लिमिट होती है हर चीज की, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है आपको, दो मिनट चलाया बस बंद कर दो, काम था देखा बंद कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये पूरे चीज़ें फॉलो करनी है, रिवीजन कैसे करना है वीडियो में डिस्क्रिप्शन डाल रखा हूँ, आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है वो मैंने डाल रखा है वीडियो के अंदर, कि किस हिसाब से बच्चे टॉप करते हैं फिजिक्स में, आउट ऑफ 180 नंबर भी आ रखे हैं वीडियो मैंने डाल रखी है, एंड आपकी जो फॉलो करनी है आराम से अपने गोल को अचीव कर लोगे। और आपको जो भी कोई भी डाउट रहे, कोई भी पर्सनल डाउट कुछ भी रहे, तो आप मुझे आप डीएम कर सकते हो या फिर मुझे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके कोई भी डाउट रहे आपको किस चीज़ में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।